बसमिल रहीम अलिखुम नाज्रीन सुप्रीम कोर्ट आफ पाकिस्तान ने अजगर खान केस से मुतालिक जो फैसला दिया है उसकी रो से तीन शख्सियात को आइन शिक्री का मरतकब करार दिया गया है एक जनरल असलम बेग साहब दूसरे जनरल असद दुरानी साहब और तीसरे मरहूम सदर ग़ुलाम सा खान साहब जनरल असलम बेग साहब और जनरल असद दुरानी साहब चूँकि हयात हैं इसलिए उनका मौकफ़ कौम के सामने आ रहा है और हमने भी उनका मौक़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की लेकिन गुलाम शाह खान साहब चूँकि इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए उनका मौक़ बराह रास्त किसी तक नहीं आ सका लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो कि उनकी जिंदगी में भी उनको ऑन उन करती रही और जो अब भी उनको ऑन उन कर रही है उन्होंने उनके साथ मुख्तल हैसियतों में काम किया और जब तक ग़ुलाम श खान साहब ईवान सदर में रहे वो शख्सियत भी उनके साथ रही यकीन आप पहचान गए होंगे वो शख्सियत है जनाब रोहिदात खान साहब बहुत शुक्रिया रोहिदात खान साहब ये जो असलम बैग साहब हैं और असद दुरानी साहब हैं कुछ हवालों से तो उन दोनों का आपस में भी इख्तलाफ है और एक दूसरे पे इल्जाम भी आयद कर रही हैं लेकिन एक नुक़े पे उन दोनों का इतफाक है और वो ये कि जो कुछ था आई जाई को बनाने का या उसमें पैसे तकसीम करने का वो गुलाम साहब और आप लोगों का फैसला था और उनका कहना ये है असद दुरानी साहब का कि उन्होंने तो सिर्फ अहकाम की तामील की और बैग साहब कह रहे हैं कि वो तो इस मामले में शरीक ही नहीं थे हकीकत क्या है बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे इन्वाइट किया था कि मैं अपना मौकफ आपको बता सकूँ जी मैं उनके बहुत करीब था जी जी बहुत करीब था जी अच्छा मुझे बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई थी आई कुड वॉक इन टू देजिडेंट ऑफिस एनी टाइम आई लाइक दी कोई अपॉइंटमेंट शब्द कुछ भी नहीं था जी बात यह है उसने तो मुझे कभी नहीं कहा कि मैं या आई जे आई बन रहा है उसमें मेरा ये रोल है मेरा वो रोल है जी या इसकी कुछ भी नहीं कहा कभी नहीं कहा जी अच्छा। नंबर वन नंबर दो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मैंने अब प्रेसिडेंसी में एक इलेक्शन सेल बनाया हुआ है ताकि वो सुपरवाइज करे इस इलेक्शन को किसको हेल्प करना है किसको हेल्प नहीं करना किसको फंड देने हैं किसको नहीं देने हैं और कितने देने हैं और आप भी उसके मेंबर हैं जी नॉट वन वर्ल्ड जी नेवर टोल्ड मी मुझे कभी नहीं बताया नहीं तो ये हकीकत नहीं है कि मैं... सदर में एक सेल था उसके आप भी मेंबर थे इजलाल जैदी थे उसमें जनरल रफाकत थे उसमें अच्छा देखे ना? जी मेरा दफ्तर जो था वो प्रेजिडेंसी में नहीं था हाँ। मेरा दफ्तर था कैबिनेट डिवीजन में था जी ठीक लेकिन मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन वहां जाया करता था जी हाँ आप दोनों की तो दोस्ती भी दोस्ती थी। आप उनके वो भी थे तो, के ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ ये बात उन्होंने मुझसे क्यों छुपाई जी ये तो सबसे पहले मुझे बताते जी और अगर उन्होंने कोई इलेक्शन सेल बना था तो मुझे उसका मेंबर बनाते जी मुझे तो मेंबर नहीं बनाया जी हालांकि असलम बेग साहब कह रहे हैं कि मैं उस इलेक्शन सेल का मेंबर हूं पता नहीं किस अथॉरिटी पे और किस एविडेंस के बेसिस के ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं उस इलेक्शन सेल का मेंबर था मैं तो कभी नहीं था जी और इलेक्शन सेल भी नहीं था कोई देखे ना जी मैं तो कहता हूं कि जी ये असलम बेग का फिगमेंट ऑफ इज इमेजिनेशन जी इसको किसने कहा है कि इलेक्शन सेल है जी और ये अगर मैं मेंबर हूं तो मैं तो ओन नहीं करता इलेक्शन सेल को मैं तो बरमला कह रहा हूं और अभी से अब से, से नहीं कह रहा हूं मैं तो अर्ली नाइन्टीज से कह रहा हूं जी जब मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि ऐसा इलेक्शन चल है और मैं भी उसके बाद मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई प्रिंट मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और जब भी मुझे बुलाते थे, थे मैं जाकर के लेकिन साहब सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान का फैसला भी तो आपके इस दावे की तरदीद कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि गलाम इस खान साहब ने ये काम किया था मैं बताऊं जी मैंने पहले तो पटिशन दिया कि मुझे पार्टी बनाओ मुझे मेरे मुतालिक कहा जा रहा है कि मैं इलेक्शन सेल का मेंबर था मेरे फरिश्तों को पता नहीं था कि इलेक्शन सेल है या नहीं है और या मैं उसका मेंबर हूं या मेंबर नहीं हूं मुझे मौका दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने आपको नहीं उनको बुलाया हाँ। मुझे बुलाया जी उन्होंने हाँ। बुला करके उन्होंने कहा और मेरी बातें सुनी जी मैंने उनको कहा था असल जनरल असलम बेग भी बैठा हुआ था असदुरानी भी बैठा हुआ था रोस्ट्रम भी मुझे बुलाया जी इन द प्रेजेंस जी मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा मैंने कहा देखें जनरल असलम बेग को जिसने ये एलिगेशन किया है इनको मैं उस पीरियड में एक दफा भी नहीं मिला एक दफा भी नहीं मिला जी न प्रेसिडेंसी में मिला न जीएच में मिला न किसी और जगह में मिला इसको जी इन इनके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि इलेक्शन सेल है और आप उसके मेंबर हैं जी तो ये किस बेसिस के ऊपर कह रहे हैं लेकिन है सुप्रीम है कोर्ट ने तो उनके दावे को दुरुस्त तस्लीम किया ना और मेरा अपना ख्याल है अच्छा अच्छा इसी तरीके से मैंने असद जनरल असद बुलानी सा मैंने कहा यह बैठा हुआ है इधर ही बेर में आउट इनसे के साथ सिर्फ एक मुलाकात मेरी हुई थी और वो भी मिलिट्री सेक्ट्री के दफ्तर में हमने कोई इलेक्शन भी इलेक्शन सेल की बातें नहीं किया है बी डिस्कस प्लेजेंट्रीज जी मौसम कैसा है ये है वो है जी नहीं तो उनको बेनजीर भुट्टू से क्या तकलीफ थी उनको सियासत से क्या दिलचस्पी थी गुलामी साहब साहब तो चूँकि सदर भी थे सारी सियासी बिसात वो बिचारे थे तो उसको तो एक, मानता है और दौरानी साहब को क्या तकलीफ साहब आप एक चीज अगर आप जहन में रखें जी इस मुल्क में इस मुल्क में जो सेंटर ऑफ पावर है सेंटर ऑफ पावर जो है बल्कि सेंटर ऑफ पावर क्या जी सॉवरिटी डज नॉट रिजाइड इन द प्रेसिडेंसी और इन द पार्लियामेंट और इन एनी अदर प्लेस जी सॉवरिनिटी रिजाइड इन द जीएचक्यू जी इस किस्म के मामलात जो हैं वो जीएचक्यू करता है जी प्रेसिडेंट का तो कोई रोल भी नहीं होता है देखें लेकिन वो कहते हैं कि जी कानूनी और आइनी लिहाज से हमारा कोई रोल नहीं था वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर थे और जतोई साहब प्राइम मिनिस्टर थे हमने तो हुक्म की तामील की है और ये भी दुरानी साहब कह रहे हैं बैग साहब तो कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था अच्छा देखें दुरानी साहब ये भी कहते हैं कि वो कई एफिडेविट उन्होंने फाइल किए हुए हैं जी वो ये भी आप कहते हैं कि मुझे तो मुझे तो डायरेक्टली प्रेजिडेंट साहब गुलाम शाह खान ने कुछ नहीं कहा है जी मुझे तो कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली नहीं मिले मुझे तो या असलम बेग ने बताया है और या मुझे इजलाल जैदी ने बताया है प्रेजिडेंट के साथ तो मेरी डायरेक्ट डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है जी इसको अच्छा। तो बात यह है जी लेकिन उसको बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है क्योंकि बात यह है जी और तमाम जितना बोझ है और तमाम गंद है वो उनके सर के ऊपर बैठ क्योंकि अगर आप बीच में से गुलाम शाह खान को निकाल दें

जनरल जियाउल हक ने उनको क्या कहा प्रेजिडेंट जियाउल हक ने हमारे ने जी क्या कहा मुझे अख्तर यू आर नॉट द किंग यू आर द किंग मेकर अच्छा ये में, मीटिंग में मेकर बिल्कुल जी जी सिर्फ ये नहीं है कि मैं बिटनेस हूं कई और हैं जी अच्छा तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये इंस्टीट्यूशन कितना पावरफुल था जी यू आर द किंग मेकर नहीं लेकिन उस वक्त तो अच्छा। उनके उनके फौज के सरबरा सदर की कुर्सी पे बैठे थे अब यहाँ पे तो गुलाम साख साहब बैठे थे तो क्या जरूरत पड़ी थी दुरानी साहब को और जनरल बैग साहब को कि वो बदनामी भी लेते वायलेशन भी कर रहे थे अगर, अगर ये नहीं करते हैं तो फिर तो इसका मतलब और मेरा ख्याल में हकीकत भी यही है जी फिर तो ये तमाम वो तमाम सब कुछ अब तो ये कहते हैं ना जी हमें तो सुप्रीम कमांडर ने कहा है जी हम तो उनके ऑर्डर की तामील कर रहे थे जी सुप्रीम कमांडर को तो ये मानते भी नहीं थे जब वो हादसा हो गया सी वन थर्टी वाला और ऑटोमेटिकली उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए था चेयरमैन सेनेट को वो तो नहीं बना जी इन्होंने पहले आपस में जी एच क्यू में डिस्कशन किया जी और उसके बाद गुलाम बजाय से कि यह प्रेजिडेंसी आते और गुलाम इसान खान को कहते हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यू आर दी एक्टिंग प्रेजिडेंट एंड यू नो वी फॉलो योर ऑर्डर जी उसको बुलाया जी एच क्यू में अच्छा गुलामी साहब को इन्होंने जीएचक्यू में बोला हाँ, हाँ जीएचक्यू में बुलाया है जी अच्छा और वहां जाकर के उनको कहा मतलब यह है कि प्रेजिडेंट तुम हो गए लेकिन हमारी वजह से हमारी अथॉरिटी की वजह से एंड डोंट गेट रॉन्ग आइडियाज डोंट गेट रॉन्ग जी। नाजरीन वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का रोहिदा खान साहब हमारे साथ हैं आप भी हमारे साथ रहिए एक मुख्तर सी ब्रेक के बाद वापस हैं वेलकम बैक नाजरीन आज के जरगे में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ जनाब रोहिता खान साहब रोहिता खान साहब ये ठीक है गुलाम साख साहब डेड ऑनेस्ट भी थे ये सब कुछ भी था लेकिन दो चीज़ें तो बहरहाल क्लियर थी एक किसी हद तक अकरबा परवरी ये जो उनके हम देख रहे हैं सैफ अला बरदरान उस वक्त इरफानल्ला मरवत साहब वो निगरान बनाते हैं तो भी इन लोगों को एक्मोडेट करते हैं बाकी पोलिटिकल सेटअप भी उनको उसमें इन सब लोगों को जगह दिलवाते थे और दूसरा ये कि उनमें जिद और अना ये चीजें भी उनके हाथ बड़ी थी मैं बताऊं जी आपको ये बिल्कुल आपने बजा फरमायास थी उसकी जी। अच्छा। अच्छा। और दूसरी चीज ये थी कि गुलाम शाह खान में तो बहुत जनता धन के साथ खूब मेरी हीटेड आर्गूमेंट होती थी पेशावर के दिनों से जहां भी होता था डेड अगेंस्ट लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिकल पार्टी जी डेड अगेंस्ट लेफ्ट ऑफ सेंटर जी ही हार्ड लाइनर था राइट विंग जी राइट right विंग जी अच्छा एंड दैट इज व्हाट ब्रॉड हिम एंड जनरल हक टुगेदर टुगेदर जी, Closer जी। क्लोजर ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है जी तो फिर इसका मतलब ये कि वही चूंकि वो राइट विंगर थे इसी सोच के तहत आई जे आई में सब मेरा आप राइट विंग की पार्टियां जमा हो गई मेरा ख्याल है यही वजह थी जी मैं तो आपको फिलोसॉफिकल उसका हाँ। बेसिस बता रहा हूँ कि गुलाम शाह खान आइडियोलॉजिकली फिलोसॉफिकली बज राइट विंगर जी नहीं लेकिन फिर इससे ये बात जहन को और भी कबूल हो जाती है कि हाँ वाकई चूंकि वो राइट विंगर थे इसलिए आई जी आई में उन्होंने राइट विंग की पार्टियों को जमा किया आई जी आई की तकलीफ के काते में मैं, जाती मैं, है। मैं उस वक्त मैं रिटायर हो गया था जी इसलिए मुझे नहीं मालूम जी कि किन सर्कमस्टांसेज में आई जे आई बनाया गया और किसने बनाया लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ जी गुलाम शाख खान का रोल इसमें भी नहीं था जी उन्होंने ही मस्ट हैव नॉडेड हिज अप्रूवल जी लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये आर्मी चीफ और ये लोगों नहीं लेकिन रोहिदात साहब उस वक्त आप उनके दोस्त भी थे अगरचे आप रिटायर थे और उसके बाद आप उनके साथ ईवान सदर में एहतसाब सेल के इंचार्ज भी बने तो उससे पहले साल दो साल के वाकत तो यकीन आपके इलम में आई होंगी ना तो मैं कहता हूं कि खुद आपने जब कहा कि वो राइट विंगर थे तो इससे ये बात सामने आती है कि भाई आईजीआई आई बनाने में फिर गुलाम इसाक साहब का किरदार था और अगर फौजियों ने कुछ किया है तो उनके कहने पे किया होगा नहीं, नहीं ये इतना कंक्लूजन ड्रॉ करना ये जस्टिफाइड नहीं होगा हाँ, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं जी अब यहां तक मैं कंसीड करने के लिए तैयार हूं कि वो राइट विंगर था जी और अच्छा, पैथोलॉजिकली पैथोलॉजिकली वो लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट उनसे अगेंस्ट था बिल्कुल जी अच्छा ये जो पैसे हैं जो तकसीम हुए सियासतदानों में वो तो असद साहब कहते हैं कि प्रेसिडेंसी ने या गुलाम इस साहब ने वो अरेंज करवाए थे यून हबीब साहब के जरिए और हमें सिर्फ कहा गया कि ये फ्लां फलाँ को इतने इतने देने हैं ये इतने डेड ऑनेस्ट बंदे ने फिर ये काम कैसे किया जी सभी साहब मैं ये कहता हूँ नंबर वन उस वक्त तो मैं इनके साथ शामिल हो गया था बीबी के डिसमिसल से कोई पांच छह दिन पहले मैं उनकी टीम में शामिल हो गया था जी जी और ये इलेक्शन में इलेक्शन का जी। जी। जो कार्रवाई थी ये भी उसके बाद हुई ना जी जी अच्छा उन्होंने तो मुझसे जिक्र नहीं किया जैसे मैंने पहले गुजारिश की आपको जी कभी जिक्र नहीं किया मुझसे कि ये जो है अभी इलेक्शन का वक्त आ गया है और इलेक्शन लड़ना है और उसके लिए को को, को, कोई पार्टी बनानी है क्योंकि कोई पार्टी नहीं है जो कि बी पी का मुकाबला कर सके और उसके लिए फंड नॉट वन वर्ड ही नेवर सेड वन वर्ड जी टू मी एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने जी अच्छा एक बात यह है जी दूसरी बात यह है कि ये सब कुछ तो इन लोगों ने किया है जी और इलेक्शन सेल जो है इलेक्शन सेल जो है मैंने जाकर के इसके मुताल कहा है कि मुझे मैं मैं अकॉर्डिंग टू असलम बेग मैं उसका मेंबर था मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं था जी तो इलेक्शन सेल की एस्टेब्लिशमेंट प्रूव नहीं है जी बिल्कुल प्रूव नहीं है अच्छा दूसरा जो मेंबर था इलेक्शन सेल का इजलाल जैदी उसको क्यों नहीं बुलाया गया उसको क्यों नहीं बुलाया गया उससे पूछते कि तुम इलेक्शन सेल के मेंबर थे कि नहीं थे जी नहीं तो ये असद दुरानी साहब के पास ही इतने करोड़ों रुपए कहां से आए थे वो तो कहते हैं कि गुलाम साहब मेरा अपना ख्याल है जी कि ये सब अरेंजमेंट था बिटवीन द आर्मी चीफ एंड आई एस आई जी और गुलाम शाह खान नाम बीच में इसलिए ला रहे हैं ताकि बोझ सब कुछ बर्डन जो है वो उनके कंधों के ऊपर चला जाए क्योंकि अगर गलाम शाह खान को बीच में नहीं लाते हैं <coughs> तो ये इन्होंने तो इनके खिलाफ वर्जी की अच्छा आर्मी चीफ और डी जी आई एस आई ने ये काम किया तो किस लिए किया यही कि आई जी आई को जतवा दे और बेनजीर भुट्टो साहबों को हरवा दे बिल्कुल दे में मेकर जी

मेरा ख्याल है जी यानी बी करेक्ट बिल्कुल ठीक बात है, है। अच्छा तो जतोई साहब को निगरान वजीरम गलाम निशाख साहब ने नहीं बनाया था म, मैं कहता हूं जी गुलाम साख खान ने सजेस्ट किया हुआ जी एच क्यू जी जी, जी एच क्यू में जी अच्छा यानी जतुई गलामाक के चॉइस नहीं थे जी एच क्यू के चॉइस थे बिल्कुल जी इनकी मर्जी और इनकी अप्रूवल और इनके कंसेंट के बगैर तो एक कदम नहीं लिया जा सकता लेकिन ये पैसे जिन लोगों में मजीद तकसीम हुए या। जाम सादक मीर अफजल खान आबदा हुसैन साहबा ये सब लोग भी तो गुलाम साख साहब के कैम के लोग थे ना इन्होंने उनको किसी को निगरान वजी बनाया था किसी को क्या बनाया था। खान जी ऐसा इतना क्लीन आदमी था इतना क्लीन आदमी था ये पैसों वैसों फंड के सिलसिले में जी मैं बताऊं जी एक बहुत ब्रीफली जी बहुत ब्रीफली नहीं नहीं वो तो क्लीन थे अच्छा। लेकिन मैं कहता हूं कि तो साहब को उन लोगों इस... से क्या हमदर्दी थी ये तो गुलाम साख साहब की टीम थी तो लेकिन लॉजिकल लगती है कि पैसे हमें ईवान सदर से दिए गए देखें ना जी पैसे तो अब इवान सदर ने रेज नहीं किया फंड फंड, फंड तो रेज किया है इसलम बेग ने उसके ताल्लु थे उसके साथ यून हबीब के साथ गुलाम साह खान के वो तो जानता भी नहीं था उस आदमी को नेबर टोटल हबीब को नहीं जानते नेबर टोटल स्ट्रेंजर जी नेबर मैटिंग और ये ये तो इन्होंने ही वो किया इन यूनुस हबीब और इनके तालुका देवर बडीज देवर बडीज तो इन्होंने ही किया है जी अच्छा उन दोनों को फायदा क्या हुआ देखें जी ये तो पॉलिटिकल पावर अब भी यही पोजीशन है सब एंट्री रिजाइड इन द जी एच क्यू जी जब तक वो है कोई सिविलियन गवर्नमेंट जो है कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं रह सकता जी अगर उसका अगर जीएच क्यू उसको अप्रूव नहीं करेगी नहीं रह सकता जी नहीं रह सकता तो गुलाम इस खान साहब जैसे उसूली और बकौल आपके डेड ऑनेस्ट बंदे और आप जैसे लोग फिर जीत क्यू की डिक्टेशन पे उस वक्त क्यों चल रहे थे कि वो कहते जतुई को प्राइम मिनिस्टर बनाओ वो बनाते वो कहते आई जी आई बनाओ तो आई जी आई बना, बना बातें थी।, थी जी जिनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था जी लेकिन बात यह है इनकी कोई कॉमन चीज़ें भी थी जी कॉमन चीज़ें भी बहुत थी जी नंबर वन मैं आपको बताऊं जी गुलाम इस खान का ये कन्विक्शन था जी कि पाकिस्तान की हिफाजत जो है अफवाज पाकिस्तान करती है जी और अफवाज पाकिस्तान जो है को मजबूत करना चाहिए जी एज फाइनेंस मिनिस्टर उनका ये कन्विक्शन था और उसके बाद एज प्रेजिडेंट उनका ये कन्विक्शन था अच्छा न्यूक्लियर जो है पावर उसमें फौज और गुलाम इस खान गुलाम इस खान ने उनको कहा आई विल बेग आई विल स्टील आई विल बारो लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं पैसे करूंगा जमा करूंगा डोंट वरी अबाउट दैट जी डोंट वरी अबाउट दैट दिस इज ब्रॉज जी, जी हक साहब भी यही कहते थे टॉप प्रायोरिटी न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर वेपन जो कुछ भी हो हमें बनाना चाहिए जी और अगर मेरे ख्याल में गुलाम सा होता तो इसके लिए इसकी तारीख कुछ और होती इसकी इसका नतीजा कुछ और होता जी बोलो इसका ये तो लेकिन चलो पीपल्स पार्टी तो फौज की मुखालिफ थी मुस्लिम लीग तो ऐसी नहीं थी नवाज शरीफ साहब तो फौज के भी उससे पहले मंजूरी नजर थे गुलाम इसक साहब की भी मंजूरी नजर थे गुलाम इसक साहब ने तो उनकी भी हुकूमत खत्म कर दी ना देखें जी उसमें क्या हुआ गुलाम इस खान को यानी वो जो था उसका दी मिया साहब ने मुझे एक दिन वो आया जी चौधरी निसार चौधरी साहब ने मुझे कहा ये उसकी डेथ के बाद जंजुआ की आसिफ जंजुआ की डेथ के बाद जी अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रहा था so, सो ओलम शाह खान ने मुझे बुलाया जी मैं गया प्रेजिडेंसी तो उसने कहा सक्सेसर ढूंढना है आसिफ का, तमाम डोसियर थे जर्नैलों के एक सेट उनके पास था एक सेट मुझे दे दिया लेट्स गो ओवर जी लेट्स गो ओवर सो वी वेंट ओवर दिस जी एंड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली हम दोनों ने कहा कि जी द राइट पर्सन इज़ जो था जरनेल ये वाबाला मुझे कहा मैं प्राइम मिनिस्टर को बुला रहा हूँ ताकि मैं उसको बता दूँ कि ये है मेरा इसको हम बना अपॉइंट कर रहे हैं एज आर्मी चीफ रात को यू कैन चेक दिस विद चौधरी निसार जी रात को मुझे नौ बजे टेलीफोन आया निसार का उसने मुझे कहा बहुत पॉलिटिकल ग्रेव सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो गया है मैंने कहा क्या हो गया है कहते हैं जिस आदमी को गुलाम शाह खान बनाना चाहती है बनाना चाहता है ये आर्मी चीफ वो तो पीपीपी पी का आदमी है अच्छा। और नवाज शरीफ ने कहा है कि ओवर माय डेड बॉडी अगर ये बोलता है कि तो मैं रिजाइन कर दूंगा मैं नहीं करूंगा ये तो आप ऐसा करें कि ये ये ऐसा ही सियासी बहरान पैदा हो रहा है और इसकी टोटली अननेसेसरी भी है किसी और को लगा दें इसको ना लगाएं क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा स्ट्रांग स्टैंड इसके ऊपर लिया हुआ है मेरा ख्याल था कि ये बात तो ठीक कह रहा है मैं सुबह गया जी उसके पास गुलाम शाह खान के पास मैंने कहा जी मैंने सुना है कि आपकी और आपकी, आपकी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जो थी वो बड़ी अनप्लेजेंट थी उसने कहा यस कैसा है वो बहुत अनप्लेजेंट थी उसने कहा कि ये आदमी तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैंने कहा बात यह है ये तो आर्मी चीफ तो ज़्यादा उसका ताल्लुक होगा उसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा अगर वो इसको एक्सेप्टेबल नहीं है और इतना स्ट्रांग स्टैंड उसने लिया है तो आप ना करें इसको उसने कहा जी बहुत अच्छा कैन लगा लेटेस्ट गो ओवर दी रिकॉर्ड अगेन जी डोसियस डोसियर में कर रहे थे वहीद काकड़ का नाम आ गया जी ठीक तो उसने कहा वहीद काकड़ जी मैंने कहा जी वहीद काकड़ है बट लेट मी टेल यू जी ये पखतून है और ये आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा कि इसने अपना अपना आदमी जो है वो सिलेक्ट कर लिया है मुझे कैसा है डोंट वरी अबाउट दैट ये एलिगेशन या ये चार्ज आई टेक केयर ऑफ मैंने तमाम उम्र इस बात की बिल्कुल परवानी की है ठीक कि कोई पख्तून है या पंजाबी है या सिंधी है आई विल टेक केयर ऑफ इट और ये फिर कितनी इसमें हकीकत है कि आप फिर उसी जनरल वहीद काकड़ के पास गए थे गलाम साहब के नुमाइंदे की हैसियत से लॉन्ग मार्च के बाद और उनको तरगीब दी थी कि अब भी अगर फौज हुकूमत को रुखत नहीं करेगी तो फिर क्या ला, करें लॉन्ग मार्च के बाद में नहीं गया लेकिन जिस दिन जिस दिन मिया साहब ने तकरीर की रेशन नहीं लूंगा हाँ उस दिन इतफाकन जनरल वहीद काकड़ के घर मैं खाने पे गया हुआ था ठीक और मेरा बेटा भी गया हुआ था जी हम दोनों गए हुए थे तो इन्होंने कहा कि और उनको पता था कि आज प्राइम मिनिस्टर बात करेगा तकरीर करेगा तो उन्होंने कहा पहले जरा प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन लें और उसके बाद जो है वी वेल आ, फिर खाना खाएंगे मैंने कहा बहुत अच्छा जब तकरीर हमने सुनी तो भैया का आवाज़ जी हमने कहा कि ये क्या हो गया जी ये तो अब बहुत बड़ा संगीन किस्म का बोहरान शुरू हो गया है जी तो उसने भी कहा कि अब क्या करेंगे जनरल वहीद काकड़ ने कहा अब क्या करेंगे आपस में डिस्कशन वगैरह हो गई मुझे कहने लगा मुझे कहने लगा ए, वो अभी हयात हैं ही विल बेयर मी आउट जी की मैंने मुझे कहने लगा आप प्रेसिडेंट के पास चले जाएं और उनको कहें माशा मैं नहीं लगाऊंगा आई एम नो दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल जी बट शॉर्ट ऑफ मार्शल ला प्रेजिडेंट जो काम भी करता है इन अकॉर्डिंग विल उनको अभी जाके ले दे, मेरी तरफ से ये तो उनका मैसेज था लेकिन हाँ. आपने उनको क्या तरगीब दी थी आपने उनसे ये कहा था कि अब भी अगर फौज रोल प्ले ना करें तो, नहीं, नहीं, मैं मैं उनको, मैंने तो उनको ये कहा था जब ये बातें सुनी ना मिया मियाँ साहब की तो मैंने उनको कहा मैंने कहा जनहैल साहब मैंने तो बहुत कुछ देखा है ये जो जो कुछ इन्होंने कहा मियाँ साहब ने और अब ये दोनों जो हैं ये तो एक दूसरे को गले से पकड़ेंगे इसके बाद ये पाकिस्तान गवर्नमेंट कैसे चल सकती है अंडर यहाँ तो मार्शल लाह तो लगता है लगाया गया है ऑन वेरी वी ग्राउंड ऑन वेरी ग्री आपके प्रोड्यूसर ने ये तो बड़ा स्ट्रांग ग्राउंड है ये तो बड़ा स्ट्रांग ग्राउंड है अगर कोई मार्शल लाह लगाना चाहे उस पर उन्होंने कहा मार्शल ला मैं नहीं लगाऊंगा जी और जब उस वक्त फिर नवाज शरीफ को रुखत किया तो उसी जरदारी साहब को और उन्हीं लोगों को ला के गुलाम साख साहब ने उनको हलफ दिलवा दिया हाँ, हाँ. वजीर की हैसियत से जिसके खिलाफ आप एहतसाब से आपका कायम था उनके खिलाफ तो ये कैसे गुलाम साख साहब उसूली याद जी सभी साहब पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम जी पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम जब पॉलिटिक्स में आ गए ही स्टार्ट इट कॉम्प्रोमाइजिंग जी नो डाउट अबाउट इट जी नो डाउट अबाउट इट जी ठीक ही स्टार्ट इट कॉम्प्रोमाइजिंग जी लेकिन बात यह है पॉलिटिक्स गेम अब कॉम्प्रोमाइज जी तो उस कंप्रोमाइज तो उन्होंने ये काम भी किया होगा कि पैसे नहीं ये किया, दे, ये नहीं किया।, किया।, किया, उन्होंने बहुत गुनाह किए होंगे इन पॉलिटिकल फील्ड में लेकिन इस इस गुनाह का इरतकाब उन्होंने नहीं किया है जी नॉट टू माय नॉलेज जी ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ नाजरीन रोहिदात खान साहब हमारे साथ हैं उनसे मजीद भी गुफ्तु होगी वो खुद तारीख का हिस्सा हैं और तकरीबन क्याम पाकिस्तान से लेके आज तक की तारीख का न सिर्फ वो शायद रहें बल्कि हिस्सा भी रहे हैं उनसे मजीद भी गुफ्तगु करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद